चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वास्थ्य मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कई मैचेस से जो है हमारे प्रेडिक्शन जो है परफेक्ट होते आ रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि विन करेगी मैच, विन करके जा रहा है। जैसे कल हमने बोला था कि पंजाब मैच विन करेगी, पंजाब ने मैच विन करा भी। और यहाँ पे हमने बोला था कि सुमन गिल को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना लीजिएगा, साथ में एस सिंह को। तो वो सारी प्लेयर्स हम यहाँ पे बता देते हैं जिसको आपको अपने टीम में सेलेक्ट करना है, साथ में 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन भी दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है? अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप पिछला वीडियो हमारा उठा के देख सकते हैं, जिसका जो है लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए, ताकि जो है वहाँ बिल्कुल फ्री में टीम जो है ले सके, ठीक है। हमारे यहाँ कोई प्राइम मेंबरशिप वगैरह नहीं चलाया जाता। तो चलिए देखते हैं आज की मैच जो है किसके बीच होने जा रही है, वो देख लेते हैं। तो आज जो हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच मैच होने जा रही है, जो कि करो या मरो की स्थिति में मैच होगी आज। एकदम बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों तरफ से देखने को मिलेगी। एक तरफ है शिवम दुबे, एक तरफ है एस क्लासेन, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बीच जो मैच होगी कहाँ पे होगी, पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसा होने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं ये जो है 18th मैच होने जा रही है, और 5 अप्रैल 2024 को 7:30 PM में ये मैच होगी, ठीक है, शाम को। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा हमारा टेलीग्राम चैनल। तो हमारे टेलीग्राम चैनल में हमने क्या किया है, थोड़ा सा चेंजेस करें, जो हमारा सोशल मीडिया लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ना, कई लोग क्या कर रहे थे कि प्राइम मेंबरशिप के नाम से आपको ठग रहे थे, तो यहाँ पे हमने अपना डीपी जो है चेंज कर दिया है, जो प्रोफाइल है वो उसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, हमारे इंडियन यूट्यूबर दीपक जैम, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपने सोशल मीडिया के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के और ट्विटर के जो है लिंक लगा दिए हैं, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है, आप कैसे पहचानेंगे कि ओरिजिनल चैनल कौन सा है, तो इस तरह से आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारी लिंक्स मिलेगी, हमारे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक। ये हमारा ओरिजिनल चैनल है, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में टीम प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री टीम, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और फैंटेसी रिलेटेड अपडेट्स, ठीक है, कुछ इस तरह से। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के टीम जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं इंडियन यूट्यूबर दीपक जैम टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे यहाँ कोई प्राइम मेंबरशिप वगैरह नहीं चलाया जाता और किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके लिए जो है हमने थोड़ा सा माइनर चेंज किया है, जो हमने प्रोफाइल था हमारा यूट्यूब का वो हमने यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पे जो है हमने अपने सोशल मीडिया लिंक लगा दिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे बढ़ते आगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेन्यू स्टेट्स। तो आज का जो वेन्यू स्टेट है कुछ इस तरह से है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच होने जा रही है। यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटिंग पिच है, और बैटिंग पिच यहाँ पे पेसर्स बॉलर को ज़्यादा जो है सपोर्ट मिलता है। वैसे पेसर्स जो यहाँ पे थोड़े बहुत स्विंग कराते हैं उसको जो है काफ़ी हेल्प मिलता है, वो आपको विकेट निकाल के यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें टोटल मैचेस की, तो टोटल मैचेस यहाँ पे 72 हुए, बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने 33 मैचेस विन किए, बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने 38 मैचेस किए। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो भी टॉस विन करेगा, टॉस विन करने के बाद जो है यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट करने का जो है निर्णय करेगा, ठीक है। टोटल टाई जो है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात करते हो, एवरेज जो है आपको पता ही है 161 के पास हम जो है लेके चलेंगे, तो 161 के आसपास जो है लगभग रन यहाँ पे बन सकते हैं आराम से। हाईएस्ट स्कोर की बात करते हो, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे जो है 277 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे, लोवेस्ट स्कोर यहाँ पे 80 बने हैं 10 विकेट के नुकसान पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न देख लें, तो स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 से नीचे जो है 35 बार रन बने हैं, 150 और 169 के बीच जो है यहाँ पे 10 बार रन बने हैं, 170 और 89 के बीच जो है यहाँ पे 12 बार रन बने हैं, और यहाँ पे 190 के ऊपर जो है यहाँ पे 15 बार रन बने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 से नीचे जो है 35 टाइम रन बने, और यहाँ पे 190 के ऊपर जो है 15 टाइम रन बने हैं। तो एक हम मान के चल सकते हैं कि 150 यानी कि 160 के आसपास यहाँ पे आराम से रन बन जाएंगे, तो वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। एवरेज जो है 161 प्लस जो है यहाँ पे आराम से रन बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रीवियस इनिंग स्कोर। तो फर्स्ट इनिंग में जो है एवरेज रन जो है यहाँ का 161 है, एवरेज विकेट 6 है, एवरेज स्ट्राइक रेट जो है यहाँ पे 134.66 का है, ठीक है। सेकेंड इनिंग की बात करें तो यहाँ पे एवरेज रन जो है
150 है एवरेज विकेट, 5 है एवरेज स्ट्राइक रेट जो है 135.11 का है, ठीक है। वेदर रिपोर्ट की बात करें यहाँ पे इस पिच पे कैसा रहने वाला है वेदर, तो वेदर जो है यहाँ पे क्लियर रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा, कोई यहाँ पे बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लाउडी वेदर देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं होगी। 2.90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे हवा चलती हुई आपको दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोबेबल प्लेयर जो कि सनराइजर हैदराबाद के यहाँ पे खेले जाने वाले। अब इसमें से जो बेस्ट होंगे उसको हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल और यहाँ पे अभिषेक शर्मा, ये जो तीन प्लेयर है आपको टीम में सेलेक्ट कर लेना है, और आप चाहें तो CVC भी बना लेंगे। अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं तो इसको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना लेंगे, अभिषेक, ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल को, ठीक है। ये आपको अच्छे खासे खेल के दे सकते हैं और यहाँ पे जो है आपको अच्छा पॉइंट दे सकते हैं, जिससे जो है आप यहाँ पे GL विन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शहबाज अहमद को आप रख लेंगे, एंड्रिस क्लासन को रख लेंगे, और इन दोनों को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना लेंगे, ठीक है। पैट कमिंस और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जयदेव उनादकट और यहाँ पे मयंक मार्कंडे, तो इन तीनों प्लेयर को आप अपने टीम में सिलेक्ट कर लेंगे और पैट कमिंस को आप CVC भी बना लेंगे, ठीक है, और मयंक मार्कंडे को CVC बना लेंगे, आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा CSK का जो भी प्रोबेबल प्लेयर खेले जाने वाले हो, तो उसमें से जो है हमारे लिए जो बेस्ट खेलेंगे उसके लिए बात कर लेते हैं, जिसको हमें अपने टीम में पिक करना है। तो ये ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे, ये तीनों प्लेयर को अपने टीम में सेलेक्ट कर लेना है। साथ में यहाँ पे समीर रिजवी को अपने टीम में रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है रविंद्र जाडेजा, इसको जो है अपने टीम में रख लेना है। तो ये तीनों को आप CVC भी ट्राई कर सकते हैं अपने टीम में। अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं तो CVC आप ट्राई कर सकते हैं आराम से, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, जो कि पिछले मैचेस में रचिन रविंद्र नहीं खेल पाए थे, बहुत दबाव में आके जो है आउट हो गए थे, कैच आउट, ठीक है। लेकिन इस वाले मैच में जो है ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, और समीर रिजवी भी आपको अच्छा खेलते हुए दिखेंगे, तो समीर रिजवी को भी आप अपने टीम में CVC ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट करते हुए दिखेंगे मुस्तफिजुर रहमान और यहाँ पे मथीसा पाथिराना, ठीक है। तो इन दोनों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना लेंगे और अपने टीम में तो जरूर रख लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है जिसको आपको अपने टीम में सेलेक्ट भी करना है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाना है, ठीक है। बाकी को आप दूसरे टीम में सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ओवरऑल टीम कंपैरिजन सनराइजर हैदराबाद और CSK के बीच। तो दोनों ने 10-10 मैचेस खेले, जिसमें से 3 मैचेस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हैदराबाद ने विन करे और 7 मैचेस जो है यहाँ पे CSK ने विन करा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर 197 यहाँ पे है हैदराबाद का, 172 है यहाँ पे CSK का, ठीक है, एवरेज स्कोर। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 277 है, जो कि हाइएस्ट स्कोर बने हैं IPL में, ये वाले स्कोर जो है हाइएस्ट है, और ये आज टूटेगी या नहीं टूटेगी चलिए देखते हैं ये रिकॉर्ड, ठीक है। जो कि ये रिकॉर्ड कोलकाता के जरिए ये टूटते टूटते रुकी है अभी, ठीक है, और कुछ रन बाकी थे, नहीं तो ये रिकॉर्ड जो है तोड़ सकते थे कोलकाता वाले, कोलकाता नाइट राइडर वाले, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है टूटा नहीं। ये रिकॉर्ड जो है आज टूटेगी कि नहीं टूटेगी चलिए आज देख लेते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा रन जो है अभी तक IPL में सबसे ज़्यादा रन 277 का रहा है, आज टूट भी सकती है, ठीक है। तो 277 पे 3 विकेट और 223 पे 3 विकेट CSK का यहाँ पे रहा है हाईएस्ट स्कोर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है दोनों ही टीमें, और दोनों के पास बल्लेबाजी बॉलिंग काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोवेस्ट स्कोर जो है 166 है 8 विकेट, 139 है 8 विकेट के नुकसान पे। तो आज तो चेन्नई जो है मैच विन करने के चांसेस जो हैं बहुत कम दिख रहे हैं यहाँ पे। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि जैसे चेन्नई सुपर किंग खेल रही है, अगर शिवम दुबे का बल्ला चलता है तो यहाँ पे चेन्नई जो है आराम से मैच विन करके ले जाएगी, साथ में रचिन रविंद्र का बल्ला अगर चल गया तो। साथ में एक और भी प्लेयर है जो कि ऋतुराज गायकवाड़ है, उसका भी बल्ला चला तो ये मैच जो है पूरी तरह से CSK लेके जाने वाली है, ठीक है। तो मेरी प्रिडिक्शन तो CSK की ओर है, CSK ये मैच लेके जाने वाली है, ठीक है। सनराइजर हैदराबाद ये मैच लूज करने वाली है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टॉप बैटर और टॉप बॉलर। तो टॉप बैटर में से कौन कौन से टॉप बैटर हैं जिसको हमें अपने टीम में सेलेक्ट करना है, तो एच क्लासन यहाँ पे आपको सनराइजर हैदराबाद विकेट कीपर है, 3 मैचेस खेले हैं और 167 रन का स्कोर करा है।
अभिषेक शर्मा सनराइजर हैदराबाद से बैटर हैं 3 मैचेस खेले हैं और यहाँ पे 124 का यहाँ पे रन इन्होंने स्कोर करा है। और यहाँ पे शिवम दुबे सीएसके के हैं बैटर हैं 3 मैचेस के लिए 103 का यहाँ पे स्कोर इन्होंने करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बल्लेबाज जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे टॉप में है सनराइजर हैदराबाद के और एक बल्लेबाज चेन्नई से हैं। लेकिन यहाँ पे हम रचिन रविंद्र है उसको भी जोड़ सकते हैं और गायकवाड़ जो है उसको भी जोड़ सकते हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों को जो है आप अपने टीम में जरूर से जरूर सिलेक्ट करके चलें, साथ में ये दोनों को और अभिषेक शर्मा को तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपने टीम में बना लीजिएगा। टॉप बॉलर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मुस्तफिजुर रहमान जो कि सीएसके से हैं, बॉलर हैं, 3 मैचेस खेले हैं, 7 विकेट निकाले हैं। ठीक है, और पैट कमिंस सनराइजर हैदराबाद से हैं, बॉलर हैं, 3 मैचेस खेले हैं, 4 विकेट निकाले हैं। और यहाँ पे आपको मथिसा पाथिराना जो कि सीएसके से हैं, बॉलर हैं, 2 मैचेस खेले हैं और यहाँ पे 4 विकेट निकाले हैं। तो यहाँ पे बॉलर में जो है तो स्ट्रांग बॉलर आपको दिखेगा वो आपको सीएसके से दिखेगा और यहाँ पे जो है मैच विनिंग यही दोनों जो है करा सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको दीपक चहार हो गया, टी देश पांडे हो गया, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे सीएसके को मैच विन कराने में काफ़ी हेल्प करेंगे जो कि सीएसके के बॉलर हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैट कमिंस से कुछ नहीं होगा, ये टॉप बॉलर में सिंगल है यहाँ पे, तो ये कितना विकेट लेंगे, 1 2 3 कितना 4 ओवर में मान लीजिए ये 2 विकेट 3 विकेट निकाल ही देते हैं। बाकी के ओवर में जो है अभी धोनी भी फॉर्म में है, अगर वो भी आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा रन उन्होंने भी कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैच जो है पूरी तरह से सीएसके लेके जाने वाली है। यहाँ पे अब देखते हैं हेड टू हेड, तो हेड टू हेड में 10 मैचेस खेले जिसमें से सनराइजर हैदराबाद ने 3 मैचेस विन करें और 7 मैचेस यहाँ पे जो है चेन्नई ने विन कराए। रिसेंट मैच देखें तो 3 मैचेस लगातार लूज करें, फिर विन कराए, फिर लूज कराए हैदराबाद ने। ठीक है, और यहाँ पे सीएसके की देखें तो लगातार जो है 4 मैचेस विन करें, 1 जो है लूज कराए। ठीक है, अब आगे बढ़ते, जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रम्प कार्ड प्लेयर, तो ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल, एडन मार्करम, अजिंक्य रहाणे और एम रहमान, ये जो है आपके ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं। इसको आप 5 से 6 टीमों में सेलेक्ट कर ही लीजिएगा अगर आपको जीएल विन करना है तो। ठीक है, ये आपके ट्रम्प कार्ड प्लेयर हैं, तो ये आपको जीएल विन कराने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे रिस्क कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, एस क्लासन और अभिषेक शर्मा, ये आपके रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं। अगर आप इसके साथ रिस्क लेते हैं तो जो है आप विन कर सकते हैं यहाँ पे जीएल। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो डैनियल मिचेल, शिवम दुबे और यहाँ पे दीपक चहर और पाथिराना के साथ जा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे जितना भी इन्वेस्ट करके रखें 49, 39 और 59 जितना भी आपने इन्वेस्ट करा है वो आपके वापस आ जाएंगे, आप विनिंग जोन में रहेंगे, आप लूज नहीं करेंगे। और अगर आप एसएल खेलने में इंटरेस्टेड है तो एसएल आप आराम से यहाँ पे विन कर सकते हैं, आप सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फिक्स कॉमन प्लेयर, तो फिक्स कॉमन प्लेयर मतलब आपको फिक्स कर लेना है 5 से 6 टीमों में, तो जिनको फिक्स करना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जडेजा, एडन मार्करम, मयंक मार्कंडे, समीर रिजवी, टीडेस पांडे और ट्रेविस हेड, जो कि आपको काफ़ी अच्छा खासा खेल के दे सकता है ट्रेविस हेड। ठीक है, अगर ट्रेविस हेड का चल गया तो अच्छा खासा बहुत बड़ा जो है स्कोर यहाँ पे रन आपको देखने को मिलेगा, और ट्रेविस हेड नहीं चलते हैं तो फिर रन जो है 277 का जो रिकॉर्ड है नहीं टूटेगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं जीएल रोटेटिंग प्लेयर की, तो एमएस धोनी, रचिन रविंद्र, समीर रिजवी, पाथिराना, क्लासेन और शिवम दुबे, ये जो प्लेयर हैं इसको आपको रोटेट कर लेना है जीएल वाले टीम में। अगर आप जीएल खेलना चाहते हैं, जीएल विन करना चाहते हैं, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है जीएल ही खेलते हैं, ऐसे बहुत कम लोग खेलते हैं, तो अगर आपको जीएल विन करना है तो इन प्लेयर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जीएल विन करना चाहते हैं तो, अगर आप एसएल विन करना चाहते हैं तो एसएल के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए जो रहेगा, बेस्ट पिक जो रहेगा वो सनराइजर हैदराबाद से हेनरिक क्लासन और अभिषेक शर्मा जो है आपको एसएल विन करा सकते हैं, चेन्नई से जो है मुस्तफिजुर रहमान और रचिन रविंद्र को आप सिलेक्ट कर सकते हैं एसएल विन के लिए। ठीक है, एसएल अगर आराम से विन करना है तो। ग्रैंड लीग की बात करें, जो कि ग्रैंड लीग अगर आप विन करना चाहते हो और किसके साथ आपको रिस्क लेना है नहीं लेना है, तो वो जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है 4 प्लेयर, जो कि सनराइजर से आपको देखने को मिल रहा होगा भुवनेश्वर कुमार और जयदेव उनादकट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, चेन्नई से समीर रिजवीर और तुषार देशपांडे को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप रिस्क लेंगे तभी आप जीएल विन कर पाएंगे। ठीक है, और डेथ ओवर बॉलर की बात करें तो यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद से पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार को आपको सेलेक्ट करना है, चेन्नई से बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान और तुषार देशपांडे को आपको
सेलेक्ट करना है, जो कि डेथ ओवर बॉलर से आपको अच्छा खासा विकेट निकाल के यहाँ पे दे सकते हैं, आपके पॉइंट यहाँ से बनेंगे और आप यहाँ पे जीएल विन कर सकते हैं। ठीक है, जीएलएसएल मिनी जीएल सारे के सारे विन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक टीम, इस टीम में आपको मिल जाएंगे पार्सल शेट्टी, मोका कैप्टन, वाइस कैप्टन, साथ ही साथ यहाँ पे जो हम सिलेक्ट करके दे रहे हैं फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमें ज्वाइन कर लें ताकि जो है आपको आराम से फाइनल टीम बिल्कुल फ्री में दिया जा सके। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट करा है क्लासेन, फिर हेड यहाँ पे, फिर आपको दुबे, रचिन रविंद्र, अभिषेक शर्मा और गायकवाड़ को, तो यहाँ पे पांच बैटर हमने सेलेक्ट करा है जो कि हमें अच्छा खासा स्कोर करके दे सकता है और इस पिच पे जो है स्कोर बड़ी बन सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे पांच बैटर सेलेक्ट करे हैं ताकि स्कोर बड़ा बने तो हम जो है पॉइंट भी ज़्यादा अर्न करें और इन बैटर के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अर्न कर सकते हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके थोड़ा बहुत जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें ऑलराउंडर की, तो जडेजा, मरकराम और मिचेल को हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा है, डैरियल मिचेल को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है राउंडर में, और बॉलर में हमने पैट कमिंस और यहाँ पे पाथिराना को सिलेक्ट करा है। आप चाहें तो यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान और पैट कमिंस और पाथिराना को सिलेक्ट कर सकते हैं और राउंडर की संख्या कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका जो है विनिंग के चांसेस और पॉइंट जो है आपका ज़्यादा बनेगा, यहाँ पे पॉइंट आपका ज़्यादा बनेगा तो आप विन जो है यहाँ पे जीएल विन कर सकते हैं आराम से, और जीएल विन करने के चांसेस आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पांच से छह टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन, तो फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहीं पे मिल गया होगा, टी हेड और क्लासेन, तो ये आपके फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है। शिवम दुबे और ट्रेविस हेड, ये आपके सेकेंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है। अभिषेक शर्मा और यहाँ पे टी हेड, ठीक है, तो ये आपके थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है। रचिन रविंद्र और शिवम दुबे, तो ये आपके फोर्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है। रविंद्र और गायकवाड़, ये आपके फिफ्थ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से है, और दुबे और गायकवाड़, ये आपके सिक्स टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है। और अब आ जाते हैं ऑलराउंडर और बॉलर में, तो यहाँ पे पाथिराना, और अगर आपने मुस्तफिजुर रहमान को आपने सेलेक्ट करा है तो यहाँ पे पाथिराना और मुस्तफिजुर रहमान, ये आपके सेवेंथ टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। पैट कमिंस को आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे पाथिराना के साथ। ठीक है, तो ये आपके एट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है, और यहाँ पे हरक्राम को आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है, आप चाहें तो इसे पाउज करके देख सकते हैं और आप कैप्टन वाइस कैप्टन आराम से जो है इसे पाउज करके बना सकते हैं, अपना टीम भी बना सकते हैं, और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़े बहुत हमने चेंजेस करे हैं अपने टेलीग्राम में ताकि जो है आपसे कोई ठगे नहीं, इसके लिए जो है हमने सोशल मीडिया का लिंक वगैरह लगा रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आप जो है जेन्युइन जगह पर पहुँचे, और उस अपने टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और सिर्फ आप लिंक से पहुँचेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारे नाम से कई सारे फ्रॉड हो रहे थे, तो उन सभी चीज़ों से आपको बचाने के लिए जो है हमने यहाँ पे माइनर चेंज करा है। ठीक है, तो चाहिए जल्दी से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और हाँ, यह हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री वाला टीम और फैंटेसी रिलेटेड सारे अपडेट्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।